नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निधि बिश। तो चलिए सुबह की शुरुआत कर लेते हैं देश प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। जीएसटी परिषद की आज होगी बैठक, नारियल तेल के टैक्स बढ़ने के कदम का विरोध करेगी केरल सरकार। लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए करें प्रेरित, पीएम मोदी को जन्मदिन पर दे सबसे बड़ा उपहार, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की अपील। टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर फिर तेज होगा किसान आंदोलन, भीड़ जुटाने के लिए कबड्डी लीग करने जा रहे प्रदर्शनकारी किसान। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी सहकारी बैंक के चुनाव में टीएमसी से हारे, चेयरमैन पद से हटाए गए। गणपति बप्पा को आरएसएस की यूनिफॉर्म पहनाने पर बवाल, बीजेपी पर हमलावर कांग्रेस ने लगाया विघ्नहर्ता को कार्यकर्ता बनाने का आरोप। राजस्थान की जीएसआई की टीम यानी भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण को मिली बड़ी सफलता, जैसलमेर जुरासिक से हाइबोडॉन शार की नई प्रजातियों की हुई खोज। पहली बार केजरीवाल का कुमाऊं दौरा, पहली बार कुमाऊं दौरे पर आ रहे केजरीवाल रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे पर ऐलान कर सकते हैं। यूपी में बारिश का कहर, 17 और 18 को प्रदेश में स्कूल कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश। अयोध्या में धीरे धीरे साकार हो रहा राम भक्तों का सपना, राम मंदिर की नींव निर्माण का काम अंतिम दौर में। हरियाणा के सीएम संग पीएम मोदी ने एक घंटे तक की अहम बैठक, किसान आंदोलन और करनाल की घटना को लेकर मांगी जानकारी। तो फिलहाल आज की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।